अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं जुनेद हलीम। एक नज़र हेडलाइंस पर। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेला शहर में दाखिल, कई इलाके डूब गए, हजारों अफराद की नकल मकानी, मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जाँ बहक। अंदरूने सिंध भी मूसलाधार बारिशें, सखर में निजाम जिंदगी दरहम बरहम, सूरत हाल संगीन होने की वार्निंग, सिंध और जनूबी पंजाब के 4 अजला में पोलियो मुहिम मौखर करने का फैसला। कराची में बारिश से 38 फीटर ट्रिप कर गए, मुतादिद इलाकों में तारीखी, समंदर में लापता अफराद की तलाश जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रदोबदल, पेट्रोल 4.65 रुपये सस्ता, लेकिन डीजल 3.39 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। नए बल्दियाती निजाम पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का इजलास मंगल को होगा, वजीर आला सिंध बासानी कानून साजी के लिए पुरुमीद, फंक्शनल लीग ने कानूनी मुशावरत का फैसला कर लिया। नून लीग सियासी नहीं, नवाज शरीफ की जाती पार्टी बन गई, दो बार धोखा खा चुके हैं, तीसरी बार नहीं खाएंगे, इमरान खान मोहतात हो गए। बलोचिस्तान हुकूमत का अमीर सादिक इमरानी से वजारत वापस लेने का फैसला, करप्शन इल्जाम को अदालत में चैलेंज भी किया जाएगा। लाहौर के इलाके शादबाग में हजाम की 6 साल बेटी से मोहल्लेदार नौजवान की ज्यादती, मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दुबई में आज आखिरी T20 सीरीज, जीतने के बाद क्लीन स्वीप की तैयारी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड मोहाली में पाक भारत वनडे कराने से इनकारी। और लंदन में पैरालंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब, मुख्तलिफ ममालिक के दस्तों का फ्लैग मार्च, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस।